सहजात्म स्वरूप परम गुरु जय प्रभु। तमारो प्रश्न छे कृतकारित मोदन करी के एटले शुं? सवारनी भक्ति में आलोचना पाठ में चौथी कड़ी में आवे छे के समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन की ने प्रारंभ कृतकारित मोदन करी के क्रोधादि चतुष्टय धरी के। एटले के मन वचन काया थी कशाय ने लईने हिंसाना कोईपण कार्य में कृत कारित मोदन एटले करवू करावू अने अनुमोदना ने लईने मैं पाप कर्या तेनी आलोचना करूँ छूँ। कोईपण क्रिया सारी के नरसी तेमां करवू करावू अने कर्ता प्रत्ये अनुमोदन आपवू तेने लईने शुभ के अशुभनो बंध पड़े छे। आ त्रणेयनुं फळ सरखुं ज आवे छे। आ समझवा माटे शास्त्रमां बलराम मुनिनो दाखलो प्रख्यात छे। महात्मा श्रीकृष्णना देह विलय बाद बलराम ने वैराग्य आवे छे अने साधु थया। पोते जंगल में आत्मसाधना करता अने फक्त आहार माटे नगर में जता। कामदेव जेवा रूपवंत बलराम एक दिवस नगर में आहार माटे निकले त्यारे तेमनो रूप जोवामां तल्लीन थयेल एक पनिहारी घड़ाने बदले पोताना नाना बाळकने गळे दोरडू बांधवा लागी। मुनिनुं ध्यान जाता तेमणे ते बाईने रोकी बाळकने तो बचाव्यो पण पोताना रूपने कारणे कोई स्त्रीना भाव बगड़े छे माटे निश्चय कर्यो के हवे क्यारे पण हूँ नगरमां प्रवेश करीश नहीं, आहार पाणी अर्थे नगरमां जाईश नहीं। आवा नियमने लईने घणी वखत तेमने खोराक पण न मळे अने उपवास पण थई जाय। जंगलमां रबारीओ ढोर चरावा आवे त्यारे तेमने क्वचित खोराक मळे अने न पण मळे। आ रीते एक वखत मुनिने खोराक न मळता सळंग त्रण उपवास थई गया। चौथे दिवसे एक कठियारो लाकड़ा कप्पा आवेल मुनिनी बाजू में रहेल हरणे जोयुं। बपोरनो समय थयो एटले कठियारियाए लाकड़ा कप्पानुं बंध कर्युं अने एक झाड़ नीचे छायामां भोजननी तैयारी करवा लाग्यो। हरण मुनिना धोतियानो छेड़ो खेंची तेमने त्यां लई गयो। कठियारो पोताना अहोभाग्य मानी भावथी मुनिने अन्नदान करतो हतो। हरण राजी थयुं के मुनिने आहार तो मळ्यो। मनोमन विचारे छे कि आ कठियारो केटलो भाग्यशाळी के आ मुनिने आहारदान आपी लाभ मेळवे छे। जो हूँ माणस होत तो त्यां तो पवनों वायरो आव्यो वंटोळियो चढ़ियो अने कठियारियाए अधूरू कापीने राखेल लटकतुं झाड़नुं मोटू लाकड़ू पड्युं अने त्रणेयना देह छूटी गया। त्रणेय एकी साथे बलराम कठियारियो अने हरण देवलोकमां उपज्या सरखी गतिने पाम्या। आ रीते करवू करावड़ावू अने कर्ता प्रत्ये अनुमोदन करवानुं सरखुं ज फळ कह्युं छे। आ तो वात थई शुभ कार्यनी, आज रीते खराब के अशुभ कार्य में पण समझी लेवानुं छे। मोक्षमाळामां परम कपोलदेवे सत्यना पाठ 23 में बोध्युं छे वसुराजा पोतानी गुरुमातानी खोटी वातने अनुमोदन आपी नरक गतिने पाम्या। आ परथी एम समझवानुं छे के सारा कामने करवानुं करावड़ावानुं अने अनुमोदवुं अने खोटा कार्य में प्रथमथी दूर रहेवुं एथी करीने कृत कारित अनुमोदन पापथी दूर रहेवाय। परम कुपोलदेवे समदर्शिता विषे समझण आपता पत्रांक 837 में जणाव्युं छे के सद्देव सद्गुरु अने सद्धर्म अने सत्श्रुतने सत जाणवुं बोधवुं अने असद्देव असद्गुरु असद्धर्म अने असत्श्रुतने असत जाणवुं अने निषेधवुं। जेनो निषेध करवानो छे तेनुं अनुमोदन करिए तो शुं फळ आवे ए सहजे समजाय एवुं छे। मोक्षमाळाना 24 पाठमां परम कुपोलदेवे सत्संग अने कुसंग विषे सरळ भाषामां पण स्पष्ट समजाय ए रीते बोध्युं छे। आलोचनामां पण बोलीए छीए के धर्मने अधर्म अने अधर्मे धर्म श्रद्धया प्ररूप्या होय, साधुने असाधु अने असाधुने साधु श्रद्धया प्ररूप्या होय तो मने धिक्कार धिक्कार वारंवार मिच्छामि दुक्कडम, पण भूतकाळ की क्षमा सफळ जब होय भविष्य की प्रतिज्ञा। वारंवार बोली फरी एज भूल चालू राखीए तो आलोचना केवी अने केटलीक थाय। असद्गुरुने के तेओ द्वारा धर्मने थाबित थती क्रियाओने प्रत्यक्ष के परोक्षपणे पण पोषवाथी महामोहनीय स्थानकनो बंध पड़े एम भगवती सूत्रमां उल्लेख छे। आवा कार्योना कृत कारित अने अनुमोदनथी गौतम आदि गणधर अने पूर्वे थई गयेल ज्ञानीओनी आशातना थाय छे। आ ज वातनो उल्लेख प्रज्ञाबोधना पूज्य ब्रह्मचारीजीए महामोनीय स्थानक नामना 62 पाठमां 19 गाथामां कर्यो छे। भगवती विषे साधु श्रावको गुण सहितना देख लक्षण गुण विना गणी स्थापता मुनि थती अशातना गौतम आदिनी।
અમુક સ્થળે મૂળમાં જ સત્સંગ કે સદ્ધર્મનું પોષણ ન હોય ત્યાં ધર્મને નામે હાજરી આપવી કે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષે અનુમોદન આપવું તે પાપના ભાગીદાર થવા જેવું થયું. પૂજ્ય પ્રભુજી કહેતા, ભાલાનો વરસાદ વરસતો હોય તોય સત્સંગ કરજો અને હીરા વેચાતા હોય તોય કુસંગ નહીં કરતા. પૂજ્ય બ્રહ્મચારીજી કહેતા, વધુ જાણવાની ઈચ્છા એ કુસંગ કરવા કરતાં ઘેર બેસીને મંત્ર જાપ કરજો, વિષ દુહાનું રટણ કરજો, વચનામૃત વાંચ્યા કરજો. ધર્મને નામે થતી ક્રિયાઓમાં તન મન કે ધન કે ત્રણેયથી જો સતનું પોષણ થાય તો અહોભાગ્ય અને અસત પોષાય તો મોટું નુકસાન છે. આ જ પ્રકારની વાત દાન અંગે હરિવંશ પુરાણમાં કરી છે. તે જ વાત પૂજ્ય બ્રહ્મચારીજીએ પત્રસુધાના પત્રાંક 702 જૂની પત્રસુધામાં 578માં કરી છે. પોતાનો એક પૈસો પણ ધર્મને નામે દાન રૂપે આપતા પહેલાં વિચાર કરવાનો છે કે તે ક્યાં અને કોણ વાપરશે, નહીં તો ધર્મ કરતાં ધાડ પડશે. આ મર્મ છે કૃતકારિત મોદન કરીકે એ કડીનો સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.